सर हेलो गाइस, दिस इज मस्जिद। गाइस आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संज्ञा प्रकरण के बारे में, लघु सिद्धांत कमिटि के जो संज्ञा प्रकरण अध्याय है उसके बारे में देखने वाले। इससे पहले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट किया था संस्कृत का, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले उसके बारे में। और हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो पाणिनी है उनके अष्टाध्याय, कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि के महाभाष्य आदि के बारे में पढ़ा था। कौन से मित्रय है तीनों का जो एक साथ सम्मिलित अध्ययन है उसको मित्र व्याकरण कहते हैं। फिर उसके द्वारा कौन कौन से अलग अलग भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत को मदे, वरदराज ने लघु सिद्धांत मध्यम सिद्धांत को मदे आदि जो ग्रंथ है उन सभी के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ सूत्र क्या होते हैं, सूत्र के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में कवर किया। अब इस टॉपिक में हम देख रहे हैं संध्या प्रकरण के बारे में। सबसे पहले संध्या प्रकरण में हम देखने वाले हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माहेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो जो पाणिनी थे उन्होंने क्या किया कि जो व्याकरण है उसके 14 प्रत्याहार दिए थे उन्होंने। उनमें से सबसे पहले है अ ई ऊण रूप ए ऊण ए ओच हयवरट लन। तो अ से लेके अच तक जो च तक है ये सारे आपके क्या स्वर प्रत्याहार हो गए, ठीक है। इसके बाद आने वाले सभी जो हैं वो आपके व्यंजन प्रत्याहार हैं, हल प्रत्याहार हैं। तो ये हो गए आपके स्वर प्रत्याहार अ ए ऊना रो रोक ए ऊना ए औच अय वरट लन। फिर नियमंगनम छभ अ खड़ दस जबगढ़ दस खफ छठ तचटरो कपय ससर और हल। इस प्रकार से क्या है 14 माहेश्वर सूत्र है, इनको ही हम आदि सूत्र तो महाकाल सूत्र आदि कहते हैं, ठीक है। तो ये 14 सूत्र क्या है आचार्य पाणिनि द्वारा उपदेश किए गए सूत्र हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इनको याद करना बहुत जरूरी, MCQ में भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन टाइप में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इन्हें याद करने में बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आचार्य पाणिनि ने अपने शास्त्र के प्रारंभ में क्या 14 सूत्रों के द्वारा वर्ण सामान्य का उपदेश दिया है, तो उसे ही हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये माहेश्वर सूत्र क्या है अन अप इत्यादि संज्ञाओं प्रत्याहार के लिए है। भाव यह है कि क्या है शास्त्र के निर्वाह के लिए इन सूत्रों के द्वारा, इन सूत्रों के द्वारा क्या है अन आदि संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। इनका मतलब जो माहेश्वर सूत्र है उनका अंतिम वर्ण इस संज्ञक वाला होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे सभी जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन है, ठीक है, और वो हलंत्य है, हलंत्य उसमें हलंत गया है, ठीक है। तो ये क्या है इस संज्ञा वाले होते हैं, मतलब इनका बाद में आगे जाके लोप हो जाता है, ठीक है। तो इन माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के अंत में एक व्यंजन वर्ण जोड़ा गया है जिसे हम अनुबंध कहते हैं। जैसा हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि अनुबंध आया था, तो इन्हीं को रोकने के लिए, इनका अनुबंध करने के लिए इनमें जो लास्ट में व्यंजन वर्ण जोड़ा गया है उसे ही हम अनुबंध कहते हैं। जैसे अयुण में जो न है उसे अनुबंध कहेंगे, ठीक है। और अनुबंध क्या होता है, सब प्रयोजन होता है, जो भी पुनरुक्ति दोष होने वाले रहते हैं उसको रोकने के लिए हमें अनुबंध का प्रयोग किया गया है। उसके बाद माहेश्वर सूत्र में प्रयुक्त न कर्ण आदि अनुबंधों की इस संज्ञा हो जाती है, बाद में ये इनका लोप हो जाता है। इस संज्ञा का प्रयोजन क्या है कि ये अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात वहाँ वह वर्ण क्या होता है वहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो जैसे किसी सूत्र में इनका उपयोग हो गया तो जो न होगा वो अपने आप वहाँ से हट जाएगा, तो इसी को हम अनुबंध कहते हैं और ये इस संज्ञक वाला होता है। सूत्र क्रम 5 से लेकर 14 तक आचार्य ने व्यंजनों का वर्णों का उपदेश दिया है। जैसे मैंने आपको बताया पहले जो चार सूत्र ये जो चार सूत्र ये स्वर के लिए हैं और इसके बाद जो 5 से लेके 14 तक हैं आपके वो आपके व्यंजन सूत्र है, ठीक है। तो व्यंजन वर्णों का उपदेश दिया है, उस अवर्ण का उपदेश अयुण सूत्र में भी किया जा चुका है, ठीक है। इस प्रकार पुनरुक्ति दोष होता है। इसका उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि है वरट आदि वर्णों में अवर्ण उच्चार बोलने के लिए नहीं, यह भाव यह है कि स्वर वर्ण की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण का, जैसा कि आप जानते हैं बिना वॉयस के कॉन्सोनेंट्स नहीं बोल सकते, मतलब व्यंजन बिना वर्ण के नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण के उच्चार संभव नहीं, इसलिए जो व्यंजन वर्ण है उसमें भी अकार देखने को मिलता है, ठीक है। अतः आचार्य ने उच्चारण सौविध्य के लिए हकार आदि में अकार का उपदेश दिया है। अब लण सूत्र में अ इत संज्ञक है, ओके। इसका उद्देश्य र प्रत्याहार बनाना है,
ये सब आगे हम देखेंगे, उरण और अपरा जो संधि टॉपिक है उसमें सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो सूत्र प्रत्याहार प्रत्याहार सूत्र है उनमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं। तो सबसे पहले हलंत्यम देखते हैं, उपदेश अनंत्यम हते साथ, जो उपदेश है उसके अंत के जो होते हैं उसका हलफ हो जाता है, मतलब उसके एक संज्ञा हो जाती है। तो उपदेश अवस्था में जो अंत्य व्यंजन होते हैं उसकी हल संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो वही बताया गया, जैसे आई उन में न क्या है, अंत अंतिम व्यंजन है, तो उसकी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी। आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं, जो पहले कहे गए वाक्य होते हैं उन्हें हम उपदेश कहते हैं, जिनका अब कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब सूत्रों में अदृष्ट मतलब न दिखाई वाले पल, न दिखाई देने वाले पद जो होते हैं उससे अनुवृत्ति से लेना चाहिए उन्हें, उन्हें दूसरे सूत्रों से लेना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आदेश किसे कहते हैं, तो वही आदेश मतलब क्या हो गया, आद्य उच्चारण को उपदेश या आदेश कहते हैं, उपदेश कहते हैं। यहाँ आद्य का अर्थ होता है जो व्याकरण शास्त्र कर्ता या फिर जो पाणिनी है या कात्यायन पतंजलि जिन्होंने जो उपदेश किया है उसे ही हम आद्य उपदेश कहते हैं। इसमें धातुगण आ गए, उसके बाद सूत्र आ गए, लिंग आ गए, आगम आ गए, प्रत्यय आ गए, आदेश आ गए, ये सारे क्या है, उपदेश है, ठीक है। अब अनुवृत्ति क्या होता है, तो अल्पाक्षरम के अनुसार सूत्र का अल्पाक्षर होना आवश्यक है। अल्पाक्षर प्रवृत्ति के कारण सूत्रों में यथासंभव शब्दों की पुनरावृत्ति को बचाया जाता है, अतः वो जो विषय अथवा पद पूर्व सूत्र में अपेक्षित हो उसका अनुवर्तन प्रत्येक सूत्र में कर लिया जाता है, यह अनुवृत्ति कहलाता है। मतलब जो पहले सूत्र में है उसका बाद के सूत्र में अपने आप अनुवर्तन कर लिया जाता है, इसी कारण से इसे अनुवृत्ति कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं आदर्शनम लोक के बारे में, तो प्रसप्तस्य आदर्शनम लोक संज्ञस्यात्, तो जो नहीं दिखाई देता उसको लोक कहते हैं, जो न दिखाई दे उसे लोक कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, उपस्थित रहे हुए काम का न दिखाई देना लोक कहा जाता है, जो वर्ण दिखाई दे बाद में उसको हटाया जाए वह लोक संज्ञक होता है। जैसे आई उन सूत्र में देखा हम लोग न दिखाई देता है लेकिन बाद में उसका लोक हो जाता है, इसी कारण से वो क्या है, लोक संज्ञक। तो उपस्थित रहते हुए जो नहीं दिखाई दे उसे लोक कहते हैं, और उपस्थित रहने के बाद या फिर जो वर्ण दिखाई दे बाद में उसे हटा दिया जाए उसे लोप संज्ञक कहते हैं। उसके बाद तस्य लोप, ये क्या है, विधि सूत्र। इसके पहले हम लोगों ने दोनों आदर्शनम लोप और जो हलंत्य है ये दोनों क्या है, आपके संज्ञा सूत्र हैं। तो इस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट करने भी आना चाहिए कि कौन सा संज्ञा सूत्र है, कौन सा विधि सूत्र है, कौन सा नियम सूत्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या तस्य तस्य ये तो लोप सात, मतलब जिसकी इस संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो अब हम लोग ने हलंत्यम सात से क्या पढ़ा कि जो हल के अंत वाला जो देश के अंत में जो हल होता है वो लोक इत संज्ञक होता है। तो अब जो इत संज्ञक होता है तो उसका विधि सूत्र के द्वारा लोक हो जाता है, तो जो इस संज्ञक होता है उसका लोक हो जाता है। जैसे सूत्रों में न आदि इस संज्ञा का प्रयोजन मात्र अर्ण इत्यादि प्रत्याहार बनाना है, अब लघुता लाना ही है, ठीक है। इस संज्ञा का उद्देश्य क्या है, लोक करना। उदाहरण अ सूत्र में जो न है हलंत सूत्र संज्ञा से इस संज्ञक है, इसीलिए न काल क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा, जो कि तस्य लोप सूत्र द्वारा होता है, ठीक है। अभी आदिरंत्यन संहिता, मतलब आदिरंत्यन संहिता मतलब इसमें क्या है, अंतिम जो इस संज्ञक वर्ण होता है उसके साथ आने वाला जो आदि वर्ण होता है, जैसे अन, अन में क्या है अ ई उ न, तो अन में क्या है जो अ है वो आदि वर्ण है और जो न है वो इस संज्ञक वर्ण है। तो इस संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण क्या करता है, स्वयं का और बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराता है, जैसे अ ई उ न है, ठीक है। तो अगर अन लिखा गया तो अन जो है वो अ क्या करेगा, अपना बोध कराएगा, साथ ही साथ अ ई उ इन दोनों का भी बोध कराएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रत्याहार बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आदिरंजन संहिता में कि जो अतिव इत संज्ञक वर्ण होता है और उसके साथ आने वाला जो आदि वर्ण होता है वो स्वयं का वो बीच में आने वाले अन्य वर्णों का भी बोध कराने वाला होता है, इससे प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। अब भाव यह रहता है कि जो प्रत्याहार का प्रथम वर्ण है वो इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर अपने स्वरूप का वो मध्य भाग के वर्णों का बोध कराता है। वही चीज बात बताई गई, जैसे अन के अंत में नौ वर्ण है जो हलंत्य सूत्र से इत संज्ञक वाला होता है, ठीक है। अतः अन शब्द अपने प्रथम अक्षर अ तथा उसके मध्य में स्थित ई और उ मतलब इकार और उकार का भी बोध कराएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे,
इन माहेश्वर सूत्रों से 41 प्रत्याहार बनते हैं। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है कि माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार, अगर माहेश्वर सूत्र पूछा ठीक है तो माहेश्वर सूत्र आपके होते हैं 14, लेकिन माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बने हैं, प्रत्याहार सूत्र बोला तो आपके 14 हो गए, लेकिन प्रत्याहार कितने होते हैं तो वो आपके 41 या 42, और इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन क्वेश्चन में अगर 42 दिया है तो 42 टिक कीजिए, और 41 दिया तो 41 टिक कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अच के बारे में। अच मतलब स्वर, तो स्वर के भेद क्या क्या है, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है। तो उकालो अस्य ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो मतलब इसमें क्या बताया गया, तो उकार जो एक मात्रिक होता है, उकार जो द्विमात्रिक होता है, और उकार जो त्रिमात्रिक होता है, इन तीनों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही समय यदि अच या मतलब स्वरों के उच्चारण में लगता है तो वह क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो स्वर है उसके 3 भेद होते हैं, तो अगर जो उकार हम ले रहे हैं मतलब जो भी वर्ड वाला शब्द है उसका जब हम उकार मतलब उच्चारण कर रहे हैं, तो जो एक मात्रिक है उकार, जो द्विमात्रिक और उकार जो त्रिमात्रिक है मतलब 3 मात्रा वाला है, उनका उच्चारण में अगर उतना ही समय लग रहा है जितना समय किसी यच अच मतलब किसी स्वर के उच्चारण में लगता है, तो वो क्रम से क्या होंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाले होते हैं। जैसे ह्रस्व में हम देखते हैं अ ई उ रु और रु, ठीक है। तो ये जो है 5 आपके ह्रस्व में आते हैं, इनका दीर्घ रूप भी देखने को मिलता है आ ई उ और रु, लेकिन लु का दीर्घ रूप नहीं देखने को मिलता, तो लु का रु का सिर्फ ह्रस्व रूप और प्लुत रूप होता है, ठीक है, दीर्घ रूप नहीं देखने को मिलता। उसके बाद आगे देखते हैं, तो जो ये पहले 5 हैं इनके हमें ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत ये तीनों रूप देखने को मिलते हैं, रूप को छोड़कर रूप में सिर्फ दीर्घ प्लुत और ह्रस्व ही देखने को मिलता है, दीर्घ देखने को नहीं मिलता। उसके बाद जो ए ओ ए और औ है इसके जो है दीर्घ और प्लुत रूप ही देखने को मिलते हैं, इनका ह्रस्व रूप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि देखिए आप जैसे देखेंगे तो अ प्लस ई आपका बनता है ए, ठीक है, अ प्लस ई आपका ए बनता है, इसी कारण से क्या है कि ये 2 शब्दों से बना हुआ है, तो इसका क्या है ह्रस्व रूप नहीं है, ये द्विमात्रिक है, इसी कारण से ये इसका सिर्फ दीर्घ और प्लुत फॉर्म देखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है स्वर को 3 भागों में पहले विभाजित किया गया है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व होते हैं आपके अ ई उ रि रु, और उसके बाद इनके क्या होता है दीर्घ और प्लुत रूप भी होते हैं, रु के जो होता है सिर्फ ह्रस्व और प्लुत वर्ग होता है, और उसके बाद ए ए ओ और औ ये इनके सिर्फ दीर्घ और प्लुत वर्ग होते हैं, ठीक है। अब अच के 3 भेद बताए गए हैं, उदात अनुदात और स्वरित, ठीक है। अब इन जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है इन तीनों के भी 3-3 भेद वापस से बताए गए हैं, ह्रस्व जो कि उदात अनुदात और स्वरित, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उदात क्या होता है, अनुदात क्या होता है, स्वरित क्या होता है। तो इस प्रत्येक इससे क्या होता है, प्रत्येक जो अच वर्ण है मतलब अ के कितने हो जाएंगे, 9 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। जिस वर्ण का ह्रस्व भेद नहीं होता उसके क्या हो जाएंगे, 6 प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि जैसे देखें अगर अ है तो इसके क्या है, इसके 3 भेद, इसके 3 भेद, इसके 3 भेद, तो इस प्रकार से 9 भेद होगा, लेकिन इसका मान के चलिए दीर्घ प्रकार नहीं है, तो इसके 3 भेद और इसके 3 भेद, तो इस प्रकार से 6 भेद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार बताया गया कि जिनके 3 प्रकार होते हैं उनके 9 प्रकार हो जाएंगे, और जिनके ह्रस्व भेद या फिर दीर्घ भेद नहीं होते हैं उनके 6 प्रकार हो जाएंगे। इसके बाद ह्रस्व उदात अ, ह्रस्व अनुदात अ, ह्रस्व स्वरित अ, उसी प्रकार हो जाएगा दीर्घ उदात अ, दीर्घ अनुदात अ, और ह्रस्व दीर्घ स्वरित अ, और फिर उसके बाद प्लुत उदात अ, प्लुत अनुदात अ, और प्लुत स्वरित अ। तो इस प्रकार से कितने 9 वर्ण हो गए ओके। तो इस प्रकार से बताया गया, तो 3 भेद दीर्घ के आ जाते हैं और 3 भेद प्लु, इस प्रकार से कुल 9 भेद हो जाते हैं। अब ई वर्ण उ वर्ण रु वर्ण 9 प्रकार के होते हैं, परंतु जो रु है ए है ओ है और ए है इन सबके क्या है सिर्फ 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो सब फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया थे, जो अ रु ए है ओ और ए है इनके क्या है 6-6 प्रकार है, क्योंकि इनके जो ह्रस्व वर्ग हैं वो नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं,
अक्ष या फिर उनके स्वरभेद। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे उच्च और उदात्त के बारे में। जैसे हम लोग ने तीन प्रकार के देखे, उदात्त, अनुदात और सॉरी, उसमें से सबसे पहले उदात्त के बारे में देखते हैं। तो वाला दिशु तालवा दिशु सम भागेशु स्थाने पूर्व ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अनु अज उदात्त संज्ञा से आता। मतलब जो तालु आदि स्थानों के संभाग के ऊपर वाले भाग से निष्पन्न होता है, उसे उदात्त संज्ञक वाला होता है। मतलब जो तालु है उसके स्थान से ऊपरी भाग से निष्पन्न निकलने वाला स्वर उदात्त कहलाता है। उसी के साथ साथ जो अनुदात है वो क्या होता है, तालवादि सु सभागेशु स्थाने सु ऊर्ध्व भागे अधो भागे निष्पन्नो अच अनुदात संज्ञा से आता। मतलब तालु आदि स्थानों को जो निचले भाग से निष्पन्न होता है, निकलने वाला स्वर होता है, उसे अनुदात कहते हैं। और तीसरा समाहार स्वरित, मतलब जो तालु आदि स्थानों के मध्य या पिछले भाग से निकलने वाला अन्य स्वर होता है, उसे स्वरित कहते हैं। उसके बाद इनके दो प्रकार और देखे जाते हैं, जो समाहार है, अनुदात है, फिर उदात है। इनके दो प्रकार और देखे जाते हैं, कौन कौन से, या तो वो आपके होंगे अनुनासिक या फिर अनानुनासिक। तो मुख नासिको वा वचनो अनुनासिक, मतलब जो मुख के साथ साथ नासिका के साथ निकलने वाले, मुख के साथ नासिका से बोला जाना वर्ण क्या है, अनुनासिक कहलाता है। तात्पर्य यह है कि क्या है, सभी वर्णों का क्या जो उच्चारण होता है वो क्या है, मुख से ही होता है, लेकिन जिस वर्ण के बोलने के लिए नासिका की भी सहायता लगती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेंगे न हो गया, तो इसमें न के बोलने के लिए हमें मुख के साथ साथ नासिका की भी आवश्यकता लग रही है। इसी कारण से न क्या हो गया, आपका अनुनासिक हो गया। अर्थात केवल मुख से उच्चार्य वन वर्ण अनुनासिक होगा। मतलब जो सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक होगा, और मुख तथा नासिका से उच्चार्य मान होने वाला वर्ण अनुनासिक होगा। ठीक है, इसके बाद देखते इस प्रकार अ ई उ ऋ के क्या हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे। पहले क्या है, 9 भेद, अब सभी के दो दो भेद और हो रहे हैं, या तो अनुनासिक और अनुनासिक। तो इस प्रकार से 18 भेद हो गए। ठीक है, तो और रू के क्या हो जाएंगे, सिर्फ दीर्घ भाग न होने के कारण उसके 12 भेद हो जाएंगे। और जो ए ओ ए औ है इसके क्या हो जाएंगे, 12 भेद हो जाएंगे, क्योंकि इसके भी ह्रस्व प्रकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वर भेद कौन कौन से आ गए, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, फिर ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरूप अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। तो इस तरह से 6 भेद ये हो गए, और इनके 3 3 भेद, तो मतलब सब मिला के 18 भेद। तो ये ह्रस्व के 6 प्रकार हैं, इसी 6 दीर्घ के इसी तरह 6 प्लुत के, सब मिला के कितना हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम सवर्ण क्या होता है। ठीक है, तो तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तो जो तुल्य मतलब समान, तालु आदि स्थान और प्रयंत्र जिनके समान हो। तालु मतलब जो हम लोग ने उदात अनुदात ये सारी चीजें देखा, तो ताले आदि जो स्थान है और उसके बाद जो प्रयत्न है मतलब कहाँ से बोला जा रहा है वो जब सेम रहेंगे तो उसे हम सवर्ण कहते हैं। तो ताली तालु आदि स्थान और प्रयत्न जिसके समान हो उन वर्ण की सवर्ण संज्ञा हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, तो इसे याद करें। जो तालु आदि स्थान और आस्य प्रयत्न से जिनके समान हो उनसे हम सवर्ण संज्ञा कहते हैं। जैसे रू और लू इन दोनों के परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे स्थान और प्रयत्न के बारे में देखते हैं कि स्थान क्या होते हैं और प्रयत्न क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। तो जो अलग अलग वर्ण है, वर्ग है व्यंजन के और स्वर के, उसके अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो जो अवर्ण है और कु मतलब जो क वर्ग है, क से लेके अंग तक, तो क ख ग जो ये क वर्ग है वो उसको हम कु के द्वारा दिखाते हैं। तो जो अ वर्ग है कु मतलब जो क वर्ग है ह, और जो विसर्ज है उनके सभी का क्या है, उच्चारण स्थान कंठ है। उसी के साथ इचु यशानाम तालु, तो ई वर्ग च वर्ग तथा य और स इन सब का क्या है, तालु उच्चारण स्थान है। रुटु रसानाम मूर्धा, तो रु ट वर्ग और र और स इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। रुतुल रसानाम दंता, तो रु त वर्ग ल तथा स इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। उसी प्रकार उपोपध्यामानी और अष्ट, तो इसमें उ प वर्ग फिर
ये सारे क्या है, ओष्ठ से निकलने वाले, ओष्ठ से निष्पन्न होने वाले वर्ग। उसी के साथ अब नियम अंगना नाम नासिका से हो तो ये सब क्या है, अनुनासिक है, तो ये नासिका से निकलने वाले हैं। ए दैतो कंठ तालु, तो ए दै मतलब ए आए और ओ ये क्या है, कंठ तालु से निकलते हैं। ओ आओ और ओ ये क्या है, आपके कंठ ओष्ठ से निकलने वाले हैं, और वकार से जो व वर्ण है वो निकलता है आपका दंत ओष्ठ में, और जीवामूल्य जो जीवामूल के ऊंचा वर्ण होते हैं वो जीवामूल से निकलते हैं, और नासिका अनुसार तो जो अनुस्वार वर्ण होते हैं वो नासिका से निकलते हैं। तो इस समय सब इस प्रकार सबके क्या है उच्चारण स्थान बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर ये उच्चारण स्थान और जो प्रयत्न बताया गया है वो अगर समान रहेंगे तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे अवकार तथा क वर्ग तथा हकार तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ है, तो इसी प्रकार जो मैंने बताई ये एक बात पढ़ सकते हैं, तो ये आपके उच्चारण स्थान हो गए। इसके बाद प्रयत्न के बारे में देखते हैं, तो जो प्रयत्न होते हैं यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश, तो जो प्रयत्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में देखते हैं, तो अभ्यंतर प्रयत्न में क्या होते हैं, वो पांच प्रकार के होते हैं। तो अभ्यंतर जो है पांच प्रकार के होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे भी याद कर लीजिएगा। स्पृष्ट ईसद, स्पृष्ट ईसद, विवृत विवृत और समवृत, ठीक है। तो इस प्रकार से पांच प्रकार हैं, तो इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में आगे देखने वाले कि इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, साथ ही साथ इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट के बारे में। तो स्पृष्ट क्या है, यह प्रयत्न स्पर्श का वर्ण, मतलब जिस वर्ण का हमको उच्चारण करते समय कोई ना कोई जगह स्पर्श होता है, जैसे क का उच्चारण करते समय कंठ से निकलता है, फिर उसके साथ च का करते समय मूर्धा आदि तालु होता है, उसी के साथ ट वर्ग का उच्चारण करते समय हमें मूर्धा का स्पर्श होता है। तो जब हमें किसी भी संभाग का स्पर्श होता है तो उसे हम स्पृष्ट कहते हैं। तो स्पृष्ट में हम जो क आदि क से लेकर जो म तक 25 वर्ण है उसका स्पृष्ट में उल्लेख होता है। उसके बाद ईसद स्पृष्ट मतलब अंतस्थ वर्ण कहते हैं, जिसका जिसके बोलते समय शरीर से ज्यादा सांस बाहर नहीं निकलते, उष्मा बाहर नहीं निकलते, तो इसे ईसद स्पृष्ट कहते हैं या फिर अंतस्थ भी कहते हैं। फिर तीसरा है ईसद विवृत या फिर उष्म वर्ण। तो ईसद विवृत क्या होते हैं, जब बोलते समय बहुत ज्यादा उष्मा बाहर निकलते, बहुत ज्यादा वायु मुख से बाहर निकलते, तो उसे ईसद विवृत कहते हैं। और विवृत क्या है, स्वरों का है, मतलब जो विवृत है उसमें सारे स्वर आते हैं। और तथा जो लास्ट में आपका बचता है समृत, वो क्या है, उसमें जो अवर्ग है रस्व असिफ आता है, रस्व अप्रयोग में आता है। तो इस प्रकार से पांच में सबसे पहले स्पृष्ट में आपका आता है क से लेके म तक 25 वर्ण, उसके बाद ईसद स्पृष्ट जिसमें कम उष्मा निकलते उसमें य व र ल जो कि यन प्रत्याहान के वर्ण है, उसके बाद ईसद विवृत जो इसमें ज्यादा उष्मा शरीर से बाहर निकलती है मुख से बाहर निकलते, तो स स स ह, तो इनको आप बोलते समय खुद अनुभव कर सकते हैं, जब आप बोलेंगे स तो स में क्या है ज्यादा वायु मुख से बाहर निकल रही है, इसी कारण ये क्या है उष्म कहलाते हैं, इसका विवृत है। उसके बाद विवृत क्या है, तो विवृत में सारे स्वर आते हैं अ ई उ ऋ ए ओ जो अच प्रत्याहार उनके सभी वर्ण आते हैं, और उसके बाद स्वृत जो है लास्ट वाय उसमें रस्व प्रयोग आता है। उसके बाद देखते हैं बाह्य प्रयत्न के बारे में, तो बाह्य प्रयत्न जो होते हैं 11 प्रकार के होते हैं, इसमें से आता है सबसे पहले विवार संवार श्वास नात घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उत्तात अनुदात और स्वरित। तो इस प्रकार से 11 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं 11 में से पहले 6 के भेद देखते हैं, 6 भेदों को दो विभाग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विवार श्वास और अघोष, जो विवार है श्वास है अघोष, इनको खर प्रत्याह इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, जिस प्रकार हम लोग ने यहाँ पे ये देखा कि स्पृष्ट में क्या क्या वर्ण आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विवार है उसमें खर प्रत्याहार मतलब ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स सर, तो ये सारे जो प्रत्याहार है वो आपके आते हैं विवार श्वास और अघोष में, और वर्ग के पहले दूसरे और स सर ये वर्ण मतलब आते हैं, ठीक है। तो खर प्रत्याहार में मोस्टली ये सारे चीजें आते हैं। उसके बाद सवार नाद और घोष, इसमें हस प्रत्याहार आता है, तो हस अयवर्ण से लेके जो भी नीचे तक स तक है वो सारे प्रत्याहार इसमें आते हैं, तो इसमें तीसरे चौथे पांचवे वर्ग आते हैं और ह य व र ल ये सारे प्रत्याहार वर्ग आते हैं, ठीक है। उसके बाद तो अल्प प्राण क्या होता है, तो अल्प प्राण में पहले तीसरे और पांचवें और यण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, और महाप्राण में
आपके दूसरे और चौथे और स्वल प्रत्यय के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो कि पांच प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और स्वृत, ठीक है। उसके बाद 11 प्रकार के हमने बाह्य प्रयत्न देखे, विवार, सवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदान, उदात, अनुदात और स्वरित। इस प्रकार से हम लोग ने 11 प्रकार पढ़े। अब इनके बारे में इंडिविजुअली देखते हैं, तो कस मतक जो पश्चिमी स्वर्ण होते हैं वो स्पर्श कराते हैं, यवर अल जो होते हैं वो उस अंतस्थ कहलाते हैं, स स स जो होते हैं वो उसमें कहलाते हैं, और अ ई उ ऋल जो अच प्रत्याहार है वो स्वर मतलब आपके विवृत में विवृत में आते हैं। उसके बाद जो अर्थ विसर्ग के समान मतलब इस प्रकार का चिन्ह होता है उसे हम जीवामूल्य कहते हैं, ठीक है, वो जीवामूल्य होते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ नामों के बारे में, जैसे हम लोग ने इसका देखा था वहाँ पर, तो स्पृष्ट क्या होता है, जिस जीवा का उच्चारण करते समय उन वर्णों को उन स्थानों को स्पर्श करना। तो जैसा मैंने बताया था कि जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी स्थानों का स्पर्श होता है तो उसे हम स्पृष्ट कहते हैं, ईषद स्पृष्ट में थोड़ा स्पर्श, इसे अंतस्थ भी कहते हैं कि इन्हें बीच बीच वाले माना जाता है। फिर विवृत जो कि उच्चारण करते समय कंठ का खुला रहना, विवृत होना मतलब विसर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद ईषद विवृत कंठ का कम खुला रहना। फिर विवार क्या होता है, वर्ण के बोलते समय मुख का खुला रहना, विवार मतलब उनको विवृत के समान हो गया, तो विवृत में क्या है कंठ खुला रहता है और विवार में आपका मुख खुला रहता है। संवार में आप बोलते समय मुख का संकुचित बंद होना। संवार श्वास क्या होता है, वर्ण के बोलते समय श्वास का चलना। घोष क्या होता है, वर्ण को बोलते समय उसका गूंज होना या फिर गूंज न होना, आप घोष होता है। अल्प प्राण मतलब जो वर्ण के बोलते समय प्राणवायु का कम मात्रा में उपयोग होना तो उसको अल्प प्राण कहते हैं, और जब प्राणवायु का अधिक मात्रा में उपयोग होता तो उसे महाप्राण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अनुदित स्वर च अप्रत्यय, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया कि जिसका विधान हो या ज्ञान हो इसे प्रत्यय कहते हैं, जिसका विधान नहीं होता या फिर नहीं किया गया हो उसे अविधानीय कहते हैं। और अनुप्रत्याहार का वर्ण जो कि उदित वर्ण सवर्ण संज्ञक होते हैं, यहाँ पे अण का रकार वाला ही बाद में लेना चाहिए, ठीक है। अब माहेश्वर सूत्र के बारे में देखते हैं, तो अ ई उ जो है अण वाले पहले अकार है और अ से लेके ण ये बाद वाले अकार है, तो अन्न जो है उनके दो प्रत्याहार बनते हैं, एक अ ई उन और दूसरे प्रत्याहार जो अ से लेके लन तक बनते हैं, तो आपके इस प्रकार से दो अन्न प्रत्याहार बनते हैं माहेश्वर सूत्र। इसके बाद उदित क्या होता है, तो उदित क कु चू टू तू कु मतलब ये जो पांच वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको ही हम उदित कहते हैं, ठीक है। उदित वर्ग के कितने 25 अक्षर होते हैं, ये क्वार्टर कर लेते हैं। अब तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र से हमने सभी 18 वेदों का जो देखा है वो क्या होते हैं, जो भी 18 भेद होते हैं, हम लोग ने उदात, अनुदात, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और फिर अनुनासिक, अनुनासिक, ये सारे जो 18 भेद देखे वो सभी क्या होते हैं, सवर्ण होते हैं उनके, क्योंकि उनके जो तुल्य आश्य होता है वो भी सेम रहता है, और मतलब जो उच्चारण स्थान रहता है वो भी सेम रहता है और प्रयत्न भी सेम रहते हैं। इसके बाद देखते हैं परसन्निकर्ष संहिता, मतलब वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं, ठीक है। तो अगर दो वर्ण हैं वो एकत्रित हो जाए या फिर बहुत उनमें समीपता आ जाए तो उसे हम संहिता कहते हैं, जैसे स प्लस उ प्लस र प्लस ए प्लस स और अ, तो इससे क्या होगा सुरेश शब्द, इसमें क्या है सुरेश बनता है, तो इसमें क्या है स उ र ए स अ की इनकी क्या है अत्यधिक समीपता आ गई, इसी कारण से इसे संहिता कहेंगे, ठीक है। तो इसका ये याद कर सकते हैं कि वर्णा नाम अति अति सहित, मतलब वर्णों की अधिक अधिक समीपता को सन्निधि को संहिता संज्ञा स्याद, मतलब संहिता कहते हैं, ठीक है। तो वर्णा नाम अति सहित सन्निध्य संहिता संज्ञा स्याद। और उसके बाद देखते हैं हलो अनंतरा संयोग, तो जब स्वरों के व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होती है, जब स्वर दो स्वर हैं उनके बीच में दो हल है उसके बीच में यदि स्वर ना आए तो उसे संयोग कहते हैं, जैसे अंतर, अंतर में अ न और त के बीच में क्या है कोई भी स्वर न होने के कारण न तुम इनकी क्या हो जाएगी संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो संयोग मतलब अत्यधिक समीपता, तो अगर दो संज्ञा के बीच में दो हल के बीच में अगर वर्ण या स्वर नहीं आ रहा है तो उसे हम संहिता कहेंगे, संयोग कहेंगे, ठीक है। और वर्णों के अत्यधिक समीपता को
परस सन्मिकर्षा संहिता कहेंगे और हलो अन्नांतरा संयोग के द्वारा हलो की अत्यधिक समीपता को संयोग कहेंगे। अब सुप्ति अंगम पदन, तो सुप्त तिगंतम पद संज्ञा, तो सुप्त और सुबंत और तिगंत इस प्रकार से दो तरह के पद संज्ञा होती है। तो जो सुप प्रत्यय होता है वो शब्दों को लगते हैं और तिक प्रत्यय जो होता है वो धातुओं को लगते हैं। इसके बाद हम सुप और तिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सुप प्रत्यय कौन से होते हैं और तिक प्रत्यय कौन से होते हैं, तो तिक प्रत्यय जो होते हैं धातु को लगते हैं, सुप प्रत्यय जो होते हैं वो आपके शब्दों को लगते हैं। तो सुप प्रत्यय से आपको बाद में जो आप शब्द रूपों में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सु अस टा ये सब क्या है, प्रत्यय है जो कि शब्दों में लग के उनके अलग अलग रूप बनते हैं। उसी प्रकार धातुओं में लगकर उनके अलग अलग तिगंत रूप बनते हैं जो कि उसमें दो रूप बनते हैं, एक परस्पर पदी और आत्मनेय पदी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने देखा इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे पठ और तीप। यहाँ पे तीप, यहाँ पे ये एक वचन का लग रहा है आपका, प्रथम एक वचन का प्रथम पुरुष का लग रहा है, तो पठती ये तिगंत पद हो गया। तो ये क्या है, धातु में लग रहा है, तो इसके कारण। और देवा तथा पठती क्या है, शब्दों की पद संज्ञा होते। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा क्या है, संज्ञा प्रकरण खत्म होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो से संधि प्रकरण स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, असंधि, हल संधि, विसर्ग संधि आदि चीज़ों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारा संध्या प्रकरण खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।